नवरंग मंडप नगर शैली में बना देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर अपने आप में खास है। कलचुरी के राजाओं ने 13वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण कराया था। राजधानी और दुर्ग के बीच भिलाई 3-14 रेल लाइन के किनारे बसे देव बलौदा गांव का यह ऐतिहासिक मंदिर कई रहस्यों को साथ लिए हुए है। ग्रैंड न्यूज संवाददाता ने मंदिर को लेकर काफी सारी बातों को जानने का प्रयास किया, जिसे मंदिर पहुँचने वाले लोगों ने और पुजारियों ने ग्रैंड न्यूज के साथ साझा किया। हम खड़े हुए हैं राजधानी रायपुर और दुर्ग के बीच स्थित देव बलौदा, जो कि भिलाई 3 में मौजूद है, रेलवे क्रॉसिंग के किनारे मौजूद है। देव बलौदा का ये प्राचीन मंदिर, जो 13वीं शताब्दी में कलचुरी के समय का ये मंदिर है, अपने आप में एक इसकी प्रसिद्धि है। और अभी महाशिवरात्रि के समय काफ़ी सारे लोग इस मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में माथा झुकाने से, सर टेकने से जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और जो मेरे साथ आप ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं कि कारीगर जब इस मंदिर को बना रहा था उस वक्त उनकी जो है माँ उनके लिए खाना लेकर के आती थी, लेकिन एक दिन जब उनकी बहन उनके लिए खाना लेकर के आई तो वो नग्न अवस्था में थे और उन्होंने सोचा कि इस अवस्था में यदि मुझे मेरी बहन देखेगी तो क्या होगा। यह सोच करके वो जो मेरे आप यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ देर में दिखाऊँगी कि यहाँ पर जो कुंड है उसमें उन्होंने छलांग लगा दी और उसमें छलांग लगाने के बाद वो सीधे सुरंग के माध्यम से आरंग की तरफ निकल गए। जब उन अपने भाई को इस तरह से कुंड में छलांग लगाते उनकी बहन ने देखा तो उनकी बहन भी, जो यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित एक तालाब आप देखेंगे, वहाँ पर उनकी बहन ने भी छलांग लगा दी, जिसके कारण वहाँ भी एक पत्थर नुमा आकृति जो है वो बन गई है। इसी कारण कहते हैं कि इस मंदिर का, जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, इसका गुंबद नहीं बन पाया है और ये मंदिर सिर्फ एक चौकोन शेप में ही है। अभी आपने देखा मंदिर के अंदर काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की भीड़ है और सभी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस मंदिर में माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। जिस तरीके से मंदिर के अंदर आपने देखा एक शिवलिंग है, वो शिवलिंग अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ पर आप मेरे सामने ये देख रहे हैं नक्काशीदार, ये जो खम्बा है ये पूरे मंदिर में इस तरह की है, खम्बा है और इसमें ये छोटी छोटी आकृतियाँ जो हैं ये कलचुरी के जमाने की हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए, यही सब दार्शनिक दर्शनों को का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर मंदिर की मान्यता क्या है। जी मैडम बताएंगे, ये कलचुरी के समय का मंदिर है, महाशिवरात्रि शिव भगवान का मंदिर है, कल महाशिवरात्रि है। मंदिर को लेकर के किस तरह की मान्यता है और आप कब से यहाँ इस मंदिर में आ रही हैं? मुझे 12 साल हो गया है मेरे शादी को, तब से मैं यहाँ मंदिर में आ रही हूँ और हर महाशिवरात्रि को पूजा होता है, हम उपवास रहते हैं महाशिवरात्रि के दिन और तब से मैं उपवास करती हूँ। और सुबह 12 बजे से, रात 12 बजे से यहाँ लाइन लगा रहता है शिव मंदिर में, भक्तों की इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं पूरी होती है हर भक्त की, और दूर दूर से यहाँ पे सब आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। ये मंदिर में महाशिवरात्रि के समय ही इस तरीके की भीड़ रहती है या हमेशा यहाँ भीड़ देखी जाती है? यहाँ पे हमेशा हर सोमवार को भीड़ रहती है और यहाँ पे पर्यटन स्थल बन गया है, ये यहाँ पे दूर दूर से सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जी आपका परिचय। जी हम बात जिस कुंड की बात कर रहे थे, यही वो कुंड है जिसमें डुबकी लगाने से सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और इस कुंड की काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। इसमें जो मछलियां हैं उसे लोग यहां पर आकर के दाना डालते हैं, एक अच्छी सोच को लेकर के दाना डालते हैं कि दाना डालने से शायद उनकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होगी और वो यहां पर इस कुंड के दर्शन, इस मंदिर में यदि आते हैं तो इस कुंड के दर्शन ज़रूर करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो कारीगर इस मंदिर को बना रहा था, जिस कारण से ये इस मंदिर का गुंबद नहीं बन पाया है, वो कारीगर भी इसी कुंड में छलांग लगाया हुआ था। सर बताएंगे, ये जो कलचुरी के समय का ये जो मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, इसकी मान्यता के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये जो कुंड है इसकी क्या मान्यता है? लोग इसमें, हम अभी आने जाने वालों को देख रहे हैं, इसमें लोग पानी का छींटा अपने ऊपर कर रहे हैं, इसकी क्या मान्यता है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में?
ये ऐसा है कि जैसे कि उन लोग हस्बैंड और वाइफ जो मंदिर बना रहे थे जी। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि उस समय जो बना रहे थे ना तो निर्वस्त्र बना रहे थे जी। तो उनकी बहन जो खाना लेके आई कारीगर का जी। तो कारीगर ने देखा कि उनकी बहन को अपने निर्वस्त्र देखा ना तो उनसे सहा नहीं गया और वो सीधे इस कुंड में छलांग लगा दिया कारीगर ने जी। तो ये छलांग लगाया है ये जाके निकला सीधा आपको आरंग में जी। तो उसके कारण इस कुंड की मान्यता है जी। और इस कुंड में ये सुखाया था जब मैंने देखा था इसको जी। तो अंदर एक सुरंग है इसके जी। जो सीधा निकलता है आरंग में। तो जैसे उनके भाई ने यहाँ पर छलांग लगाई उस स्थिति में उनकी बहन ने क्या किया? उसकी बहन ने वो बगल में जो तालाब है ना वहाँ पे छलांग लगाई है जहाँ पे उनके प्रतिमा अभी भी है। और लोग जो यहाँ कुंड से पानी का अपने ऊपर छींटा कर रहे हैं उसकी क्या मान्यता है? अब उस समय का है जो जैसे कि अब छलांग लगाए थे जी। तो अब पुराने धार्मिक के हिसाब से अभी कुंड पवित्र कुंड है जी। और अच्छा मानते हैं इसको जी। तो इनका पानी जो है एकदम पवित्र माना जाता है इसलिए इनका उपयोग शिव जी के लिंग में चढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं अपने उसके शरीर में उपयोग करते हैं। आपका परिचय? गौरी शंकर साहू हूँ, यहीं ग्राम देवलादा मेरा पैदाइश है और बचपन से यहीं रहा हूं मैं और सब चीज़ मतलब। तो आपने देखा कि जिस तरह से मंदिर की मान्यता है ठीक उसी तरह इस कुंड की भी मान्यता है। और जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो कारीगर था वो निर्वस्त्र होकर के मंदिर का निर्माण कर रहा था लेकिन उनकी बहन जिस समय उनके लिए खाना लेकर के आई तो वो शर्म में इतने ज़्यादा अपने आप में वो हो गए कि वो उन्होंने इस कुंड में छलांग लगा ली। और इस कुंड के अंदर जैसा कि अभी हमें एक श्रद्धालु ने बताया कि इस कुंड के अंदर एक छोटी सी सुरंग है उस सुरंग के रास्ते वो आरंग निकल गए और उनकी जो बहन थी वो बाजू में ही एक कुंड जिसको अभी हम आपको दिखाएंगे उनकी बहन ने भी जब अपने भाई को निर्वस्त्र इस अवस्था में देखा तो उनके भी समझ में कुछ नहीं आया और उन्होंने भी कुंड के ठीक बाजू में जो तालाब है वहां पर छलांग लगा दी। हम वो कुंड भी आपको दिखाएंगे। हमने देव बलौदा मंदिर के शिव मंदिर के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां प्राप्त की। कल महाशिवरात्रि का पर्व है उसे लेकर के यहां पर पहुंचने वाले लोगों ने और भी कुछ जानकारियां दी हैं। आइए उसे भी हम ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से साझा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कल महाशिवरात्रि को लेकर यहां किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और लगभग कितने लोगों की भीड़ यहां पर जमा होगी, प्रशासनिक सुविधाएँ किस तरह से दी जाएंगी यहां पर। जी सर, आपका नाम बताइए। नमस्ते। हर हर महादेव। मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान है, मैं यहीं का निवासी हूं देवलौदा का। यह महोत्सव बहुत ही अच्छे से होने वाला है क्योंकि इस बार पिछले दो वर्षों से कोरोना काल के कारण हमारे जो शिव जी हैं उनका पूजा पाठ में बहुत बाधाएं विघ्न आई हैं जिनके वजह से हम लोग कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाए। इसलिए महादेव सेवा संगठन 3 दिवसीय रुद्र महायज्ञ पिछले 3 वर्षों से लगभग निरंतर करवाते आ रही है, जो इस वर्ष तृतीय वर्ष है उसका भी आज तृतीय दिवस है और अंतिम दिवस है जो कि आज पूर्णा होती है। और शिव जी की बारात सब अभी शाम को 6 बजे से भगवान शिव शंभू भोलेनाथ शंकर के प्रांगण से नगर भ्रमण के लिए शाम 6 बजे आज बाबा जी की बारात निकलेगी। और किस तरह की तैयारियां चल रही बाबा जी की बारात को लेकर के? इस बार तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है क्योंकि यहां पर माननीय श्री भूपेश बघेल जी हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रशासन के मुखिया हैं मुख्यमंत्री जी हैं वो भी कल आ रहे हैं हमारे ग्राम में। और बाबा जी की बारात के लिए प्रशासनिक सेवाएं पर पुलिस बल सुरक्षा बल भी हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से तैनाती बल दे रहे हैं। लगभग कितने लोगों के जुटने की यहां पर संभावना जताई जा रही है? लगभग यहां पर कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की अतिवक्त संभावना है क्योंकि इस बार जिस हिसाब से प्रशासनिक तैयारियां दिख रही हैं गरग्राम की उस हिसाब से बहुत ज़ोर शोर से मेला भी होता है यहां पर 2 दिनों का और उसी के हिसाब से पब्लिक अच्छा है। जैसे शिव मंदिर में ऐसी मान्यता है कि दूध बेलपत्ती अक्षत चावल जो भी है वो चढ़ा करके पूजा की जाती है, तो क्या इस मंदिर में कुछ ऐसा स्पेशल है जो यहाँ मंदिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है? नहीं, स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के विधि विधान के अनुसार के जो हिसाब से जो निरंतर चलते आ रहा है उसी के हिसाब से जैसा भगवान भोलेनाथ जी की मेन जो चीज़ है धतूरा है बेलपत्र है फूल है धतूरे का फल है ये सब चीज़ तो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय माना जाता है उसके हिसाब से उन सभी सारी चीज़ों को भगवान के खुश करने के लिए इन सब सारी चीज़ों से भोलेनाथ की जी के ऊपर में अर्पित किया जाता है। सर मैं यहाँ पर देख रही हूँ यहाँ पर एक नंदी है, मैं चाहूँगी कि आप नंदी बैल को दिखाएं, उन्हें इस तरीके से क्यों ढाक दिया गया है? ये मैं बताना चाहूँगा कि ये कोरोना काल में ही
कोरोना गाइडलाइन के कोरोना प्रोटोकॉल के तहत में इस मंदिर के ऊपर में प्रशासनिक यह जो है पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत में आता है। तो पुरातात्व विभाग के द्वारा पुरातात्विक प्रोटोकॉल के अनुसार में भगवान जी के शिवलिंग को और मंदिर का जो पट है उनको एक सालों से बंद रखा गया था ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन सभी चीज़ों पर बंधित किया गया है। तो ये कब खुलने की संभावना है शिवलिंग को जिस तरीके से ढांक दिया गया? ये पुरातत्व के आदेशानुसार में गाइडलाइन हो रहा है। पुरातत्व जो भी निर्देश आदेश जैसे भी आता है उसके हिसाब से इनको खोला या बंद किया जाएगा। अभी मंदिर में श्रद्धालु बराबर आ रहे हैं? अभी बराबर श्रद्धालु आ रहे हैं। महाशिवरात्रि में ही इस तरह की भीड़ होती है या फिर पूरे एनी टाइम मंदिर में इस तरह की भीड़ रहती है? महाशिवरात्रि में क्या है, भगवान शिव जी का खास पर्व होता है, इसलिए महाशिवरात्रि के पर्व पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है। परंतु निरंतर पब्लिक यहाँ हर सोमवार को भी भीड़ रहता है। विशेष सावन सोमवारी भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित करते हुए मनाते हैं। सावन में विशेष भक्तों का भी तांता लगा रहता है। कांवड़ प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि मंदिर का जो देख रेख है और अच्छे से हो और मंदिर के आसपास में जो साफ सफाई है और सुरक्षा है इसको थोड़ा से और नियमित ढंग से अच्छे से करें। देव बलौदा में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कल विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन होने वाले हैं जिसके निरीक्षण और परीक्षण के लिए यहां पर हमारे साथ चरौदा के महापौर निर्मल कोसरे जी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की तैयारियां महाशिवरात्रि को लेकर के हो रही हैं और क्या विशेष इस बार यहाँ देव बलौदा में होने वाला है। जी सर, बताएंगे किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं महाशिवरात्रि को लेकर? देवलोदा का मंदिर शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ की काफ़ी पुरानी विरासत रही है और 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक एक जो पौराणिक कथा रही है कि एक भाई बहन का एक संवाद रहा है जो वहाँ पर बावली देखते होंगे, उस बावली में जब निर्माण कर रहे थे उस समय जिस वस्त्र में थे वो एकाएक उनकी बहन वहाँ पर आ गई जिससे वो अचरज महसूस की और वहाँ से उन्होंने छलांग लगाया और सीधे उस जो बावली बना हुआ है उसमें उन्होंने डुबकी लगाया और वहाँ से वो अंतर ध्यान हो गए। वहाँ का विरासत शुरू हुआ है देवलौदा। पहले लोग गाड़ी बैले से, लोग दूर दराज से यहाँ दर्शन करने आते हैं। 2000 से हमारा नगर निगम नगर पालिका बना, तब से नगर निगम भिलाई चरौदा नगर पालिका के द्वारा देवलौदा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि वो पर्यटन विभाग का है, छत्तीसगढ़ में शहर सरकार इस बार कांग्रेस की बनी है और सरकार हमारी है, तो निश्चित रूप से पर्यटन विभाग को आग्रह किया जाएगा कि उसकी सर्वांगीण विकास हो और उनकी पहचान तो है लेकिन उसका प्रचार प्रसार अच्छा से हो सके। जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं आपको क्या लगता है कितने लोगों के पहुँचने की संभावना है? देखिए, लगातार लोग आते रहते हैं। हम लोग ने ये चाहा है कि थोड़ी सी व्यवस्थाएं बदले, एक नया स्वरूप हम लोग दें। पहले स्कूल के बच्चे कार्यक्रम देते थे लेकिन इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति भी यहाँ इस महोत्सव में दिखे। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही है, उसी तारतम्य में हम लोगों ने कल डेविड निराला जी का जगराता का कार्यक्रम है, कुमारी आरू साहू जो छत्तीसगढ़ की धड़कन के रूप में जानी जा रही उनका कार्यक्रम है और पूनम विराट जी का लोक संगीत प्रथम दिवस में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की पूरी संभावनाएं हैं, अभी अंतिम प्रोटोकॉल जारी हो जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री जी आएंगे, हमारे स्थानीय मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी आएंगे, पर्यटन विभाग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन के अटल श्रीवास्तव जी आएंगे और संस्कृति विभाग के संसदीय सचिव श्री कुंवर निषाद जी आएंगे। आप यहाँ जो तैयारियाँ चल रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, तैयारियां तो जो है वो तो तैयारियां रहती है, इसमें हम नया क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए पहले भी इसकी तैयारी रही है लेकिन चूंकि अब जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं तैयारियां का खुद जायजा लूं और खड़े होकर उस तैयारियों को मैं करवाऊँ। कुछ देर पहले कर रहे थे और जिस तालाब के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें सुनी वो यही वो तालाब है जहाँ पर कारीगर जो शिल्पकार जो मंदिर को बना रहे थे वो शिल्पकार की जो बहन है उन्होंने यहाँ पर छलांग लगाई थी और उसी की निशानी में वो आप मेरे साथ देख रहे हैं, वो छोटा सा एक पत्थर जैसा दिख रहा है वो उस जब बहन उनकी कूदी थी तो वो पत्थर नुमा आकृति वहाँ पर बन गई थी जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। और ये देव बलौदा का प्राचीन मंदिर अपने आप में विख्यात है। यहाँ यह देव बलौदा का जो मंदिर है ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित हो चुका है। प्रशासन यदि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे तो ये अपनी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा सकता है।
जिस तरीके से महाशिवरात्रि को लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं उसे लेकर के काफ़ी सारे श्रद्धालु मंदिर में पहुँच रहे हैं, और जिनसे हमने बातचीत की उन्होंने काफ़ी सारी मंदिर की उपलब्धियाँ बताई, मंदिर में होने वाले कार्यक्रम बताए, और इस मंदिर में पूजा करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है वो भी बताएँ, इस कुंड में स्नान करने से क्या होता है उस चीज़ को भी हमारे सामने रखा है। ग्रैंड न्यूज़ सभी से अपील करता है कि दुर्ग जिले में स्थित देव बलौदा के इस प्राचीन शिव मंदिर में एक बार दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ और अपनी सभी मनोकामनाएं इस मंदिर में आकर के पूर्ण करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।